भारतीय टीम के क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अपनी पत्नी के आरोपी के खिलाफ सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए। मोहम्मद शमी ने इस मामले को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बताया है। जितने इल्जाम ये मुझ पर लगाए गए हैं ये बेबुनियाद हैं और इनका कोई मतलब नहीं बनता। तो जहाँ तक 5 साल का सवाल है, मेरी शादी को 4 साल हुए हैं। ये एक मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है, क्योंकि मैं अभी मैच में बिजी था, सब कुछ था। सो जहाँ तक सवाल 5 साल का, तो ये आज ही क्यों निकला? पिछले 5 साल से निकलने में इसको इतना टाइम कैसे लग गया? सो ये मुझे लगता है एक सोची समझी साजिश है। आप क्या चाहते हैं? मैं हमेशा ऐसे ही नॉर्मल रहना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा है कि मैं होली पे भी फैमिली के साथ था, मैं हर फेस्टिवल पे फैमिली के साथ रहता हूँ, बच्ची के साथ रहता हूँ, वाइफ के साथ रहता हूँ, हर जगह वाइफ के साथ खड़ा हूँ। इतनी ट्रॉलिंग के बाद भी मैं वाइफ के साथ खड़ा था और मैं आज भी उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। ना तो मेरा मोबाइल है, ना मेरा नंबर है और ना मेरी वो चैट है, तो मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जो चीज़ मेरी नहीं है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। देखो ये चीज़ तो सब जानते हैं, मेरी फैमिली रिलेशन में कितना हैप्पी था, और ऐसा नहीं है कि मैं मेरे रिलेशन को अकेला मैं ही जानता हूँ। क्योंकि साउथ अफ्रीका में जैसे उसने डिमांड की थी, जैसे शॉपिंग के लिए उसने बोला था, मैं सेलेक्टर्स के साथ था और मैंने उनके लिए शॉपिंग की थी और सब कुछ अच्छा था। आने के बाद भी हम लोगों ने साथ में शॉपिंग की है, हम ज्वेलरी लेकर आए हैं, होली साथ में मनाई है। सडनली क्या हुआ है इसके पीछे मुझे कोई पता नहीं है, जब जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने सोमवार की रात से ही अपने फेसबुक अकाउंट से एक के बाद एक कई अहम पोस्ट शेयर किए हैं। इन पोस्ट में शमी की गैर महिलाओं के साथ अश्लील चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं। पोस्ट का सीधा मतलब था कि शमी के कई और महिलाओं के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, हसीन ने शमी पर उन्हें प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। इसके सारे एविडेंस मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। जो फोन वो छिपा के रखता था और उसी में गंदी गंदी चैटिंगें करता था, कौन से नंबर से, कौन से आईडी से करता था। साउथ अफ्रीका से वो 17 को निकला और ये इसका भी टिकट करवाया, दुबई में इसी लड़की के साथ स्टे किया और सिंगल एडल्ट नाम का रूम बुक किया इसके नाम पे और इन लोगों ने रूम शेयर किया। कैसे रोमांस करेगा, कैसे क्या करेगा, जनवरी से इन लोगों ने प्लानिंग करके इसको किया है। इन लोगों ने कंटिन्यू शादी के बाद बाद से ही मेरे साथ बहुत बहुत मेंटल और फिजिकल टॉर्चर, सबने मतलब मेरी सास, मेरी ननद, मेरा जेठ, उसकी बीवी और मेरा हस्बैंड।